दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं SBI क्रेडिट कार्ड के बारे में। SBI क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे बनाएं? अगर आपने भी SBI का नया क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो दोस्तों यहां पर आपको जो है अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपना SBI क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद SBI क्रेडिट कार्ड का पिन बनाना होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं कि SBI क्रेडिट कार्ड का पिन कैसे बनाएं, SBI क्रेडिट कार्ड को कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर सर्च करना है SBI कार्ड, जिसे यहाँ पर आप SBI कार्ड लिख कर सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं SBI कार्ड आ जाएगा। सिंपल सा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है, यानी इसे जो है डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा SBI कार्ड ऐप डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पर हम डाउनलोड होने देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मोबाइल में SBI कार्ड इंस्टॉल हो चुका है। अब आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो SBI कार्ड आ जाएगा। आपको क्या करना है, SBI कार्ड ऐप को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप का, तो आपको साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो जो भी आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है, कार्ड पर जो है 16 डिजिट का नंबर लिखा होता है, उस नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे यहाँ पर आप कार्ड नंबर डालेंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं CVV कोड डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो आपके SBI क्रेडिट कार्ड के पीछे साइड में एक 3 डिजिट का कोड लिखा होता है, आपको जो है उस 3 डिजिट का कोड को यहाँ पे डाल देना है। अब जैसे आप CVV कोड डालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने सभी डिटेल्स डाल दिया है। अब यहाँ पे जेनरेट OTP का एक ऑप्शन है, जेनरेट OTP वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके SBI क्रेडिट कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का OTP जाता है, जिस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया है। अब कंटिन्यू का एक ऑप्शन है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। पे लिखा हुआ देख सकते हैं क्रिएट लॉगिन डिटेल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है एक यूजर नेम क्रिएट करना होगा और यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर नेम में कम से कम एक नंबर, एक अल्फाबेट, एक डॉट, अंडरस्कोर, @, इन सभी को मिलाकर आपको यूजर नेम बनाना है। उसी तरह से आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड मिनिमम जो है 12 कैरेक्टर का होगा और पासवर्ड में जो है कम से कम एक अपर केस, लोअर केस, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड आपको कुछ इस तरह से बनाना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे उसी पासवर्ड को आपको जो है कंफर्म पासवर्ड में डाल देना है। उसके बाद साइन अप का एक ऑप्शन है, साइन अप वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा चुका है कांग्रेचुलेशन। अब आपको क्या करना है, टेक मी टू लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यूजर नेम डालने का ऑप्शन आ चुका है। तो जो अभी आपने यूजर नेम क्रिएट किया है उस यूजर नेम को आपको यहाँ पे डाल देना है। यूजर नेम डालने के बाद एक ऑप्शन है देख सकते हैं नेक्स्ट का, यानी एरो का, आपको जो है इस एरो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ चुका है। जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर हम पासवर्ड को डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद फिर से नेक्स्ट वाले यानी एरो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फोन कॉल का परमिशन मांगा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर इसे अलाउ कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं सिम स्लॉट चूज करने का ऑप्शन आ चुका है। दोस्तों जो मोबाइल नंबर आपके SBI क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर है वह मोबाइल नंबर आपका कौन सा सिम में लगा हुआ है, SIM 1 या फिर SIM 2, आपको इसे सिलेक्ट करना होगा। जैसे हमारा SIM 1 में जो मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर हमारे SBI क्रेडिट कार्ड में रजिस्टर है, तो यहाँ पर हम SIM 1 के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपका जिसमें लगा होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर SMS का परमिशन लिया जाएगा तो आपको अलाउ कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन होगा, जिसके लिए आपके मोबाइल नंबर पर SMS पैक होना चाहिए। यहाँ पर आपको बैक वगैरह कुछ भी नहीं करना है। चलिए यहाँ पर हम जो है कुछ सेकंड का वेट करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, जिस OTP को आपको यहाँ पे डाल देना है।
है। ओटीपी डालने के बाद एक ऑप्शन है लिंक डिवाइस का, आपको लिंक डिवाइस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 डिजिट का एक लॉगिन एमपिन सेट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से 4 डिजिट का लॉगिन एमपिन सेट कर लेंगे। जो यहाँ पर एमपिन डालेंगे वह जो है नंबर में होना चाहिए, और यहाँ पर जो आप एमपिन डालेंगे उसी एमपिन को आपको कंफर्म एमपिन में डाल देना है। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ओके वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे यूजेज गाइडलाइंस आ जाएगा, आपको क्या करना है नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसका टर्म्स कंडीशन वगैरह रीड कर सकते हैं। अब आपको जो है इस ऑप्शन के ऊपर टिक करना है और यहाँ पर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। एक ऑप्शन आ जाएगा गेट स्टार्टेड का, आपको क्या करना है गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है SBI क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर शो कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं कार्ड एक्टिवेशन। SBI क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, इस ऑप्शन के ऊपर आपको टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट का, तो आपको एक्टिवेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। लिखा आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आपको क्या करना है नीचे नेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं SBI क्रेडिट कार्ड का पिन सेट करने का ऑप्शन आ चुका है। तो जो भी आप अपना SBI क्रेडिट कार्ड का पिन रखना चाहते हैं 4 डिजिट का, यहाँ पर आपको सेट कर लेना है। जो पिन आप ऊपर में डालेंगे उसी पिन को आपको कंफर्म पिन में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन है जनरेट ओटीपी, तो आपको जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप रीसेंड ओटीपी कर सकते हैं। ओटीपी डालने के बाद एक ऑप्शन है सेट पिन का, आपको सेट पिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा चुका है पिन जनरेटेड, यहाँ पर हमारा SBI क्रेडिट कार्ड का पिन भी सेट हो चुका है। आपको क्या करना है नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इनेबल करने का ऑप्शन आ चुका है। आप डोमेस्टिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं। जिससे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है दोनों ट्रांजेक्शन ऑन है, यहाँ पर जो है हमारा कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन ऑन नहीं है। अगर आप इसे भी ऑन करना चाहते हैं तो सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कन्फर्म विथ ओटीपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पर भी, दोनों में से कोई भी ओटीपी को यहाँ पर आप डालेंगे। ओटीपी हमारा आ चुका है। ओटीपी डालने के बाद सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपका SBI क्रेडिट कार्ड का लिमिट कितना यहाँ पे शो करेगा, आपका SBI क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट कब होगा यहाँ पे शो करेगा। जैसे हमारा बिल जो है हर महीने 3 को जनरेट होगा, देख सकते हैं। अब यहाँ पे आई एक्नोलेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे कुछ सेकंड का प्रोसेसिंग लेगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशन, सकते हैं यहाँ पर जो है एक मैसेज आ चुका है कि हमारा SBI क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है अकाउंट समरी का, अकाउंट समरी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड ऐप में फिंगरप्रिंट सेट करना चाहते हैं तो इनेबल टच आईडी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो है फिंगरप्रिंट सेट हो जाएगा, जो भी आपके मोबाइल का लुक होगा फिंगरप्रिंट। तो इस तरह से आपका जो है SBI क्रेडिट कार्ड का पिन बन जाएगा और दोस्तों आपका SBI क्रेडिट कार्ड जो है एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप जो है इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, इससे ऑनलाइन पेमेंट शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। जो भी आप इस क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च करेंगे वो दोस्तों आपका यहाँ पर शो करेगा, देख पाएंगे। उसके बाद दोस्तों जब आपका बिल जनरेट हो जाएगा तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड का बिल जो है ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देना है। SBI क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पेमेंट करते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इसी चैनल पे, तो उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।